हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। स्टैटिक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम जानेंगे असम और ओडिशा की जीत बीच जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाया गया ताकि जब आप एग्जाम देने जाए उसके पहले या दो या तीन बार ये वीडियो देख लें तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे या जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इस वीडियो से बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को SSC स्पेशल के नाम से बनाया गया है, लेकिन इसके साथ ही ये रेलवे, बैंक, जहाँ भी जैसे स्टेट PSC स्टेट के एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम हो, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक GK का क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में पूछा ही जाता है और कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक GK के पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस छोटे वीडियो में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकेंगे, वन लाइनर हो सकेंगे, वो सारे लिए हैं, तो आप इस वीडियो से निश्चिंत हो जाइए, आपका स्टैटिक GK यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर पूरे स्टेट्स, जितने भी हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उनके बारे में मैंने एक एक वीडियो बनाया है, तो वीडियो जाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं असम के बारे में। दोस्तों, ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे असम की है और ये ब्रॉड मैप है असम का। असम से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया और इस वीडियो में फिर बताऊंगा, आप सबसे पहले एटलस लें, एटलस हो अगर आपके पास तो असम का मैप खोलें, असम का ब्रॉड मैप खोलें, असम के आसपास जितने भी राज्य या जितने भी देश हैं उनके बारे में देखें, और जो भी हो सके जब पूरा एक बार पूरा आप असम के बारे में पूरा पढ़ लें कि कहां पर कौन सी चीज़ है, कहां से कौन सी नदी निकलती है, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू आगे देखें, आपको इस वीडियो से बहुत सारे क्लियर होंगे। और जब आप जगह के नाम देख लेते हैं तो बहुत सा डाउट क्लियर हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि असम की सीमा किस किस राज्य से या किस देश से लगती है, तो मैं आपको रफ करके ये बता रहा हूँ। यहाँ से तो मेघालय से सीमा लगती है। बात करें सबसे पहले राज्यों की, तो मेघालय से, इस तरफ से नागालैंड से, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, तो ये तो हो गए पूरे राज्य जिनसे सीमा लगती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जो असम से लगती है, तो सबसे पहले भूटान से और यहाँ से बांग्लादेश से असम की सीमा लगती है। बात करते हैं असम की राजधानी की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर 398 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 958 महिला प्रति 1000 पुरुष है। और भाषा असमिया है। उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी है। सीमाओं की मैंने आपको मैप में बताई दिया, लेकिन यहाँ पर एक बार और जान लें। उत्तर में भूटान से और अरुणाचल प्रदेश से असम की सीमा लगती है। पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से, दक्षिण में मेघालय और मिजोरम से, वहीं पश्चिम में बांग्लादेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। बात करें इसकी कुछ और फैक्ट की, तो अन्य नाम, पहले इसका नाम कामरूप हुआ करता था। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। कुल 34 जिले हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा राजकीय पशु है। राज्य के पक्षी सफेद पंखी वाला बदक यहाँ का राजकीय पक्षी है। वहीं प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम हुए थे। पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलई हुए थे। मुख्य जो उद्योग है वह चाय का है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगोई आपको असम में ही मिलेगा। पर्यटन केंद्र की बात की जाए तो मानस टाइगर रिजर्व, गांधी मंडप, वशिष्ठ आश्रम, कामाख्या मंदिर और उमानंदा, ये पर्यटन केंद्र आपको असम में मिलेंगे। दोस्तों, जिसमें से कामाख्या मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें त्योहारों की, यहाँ से आपके SSC में ये स्लाइड आपके SSC के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे त्योहार, लोग नतिया, यूनेस्को साइट, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है। तो असम में जो त्योहार है उसमें बिहू, भोगली, माघ और बगरी, बरगीज, ये प्रमुख त्योहार हैं असम के। वहीं लोक नृत्य में बिहू, नागा, कनोई, झूमरा, महाराष्ट्र, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब यूनेस्को साइट में कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा काजीरंगा, जो 1985 में यूनेस्को साइट में ऐड किया गया था। और दूसरा हो जाएगा वन्यजीव अभयारण्य मानस, ये 1985 में ही यूनेस्को साइट में ऐड किया गया था। बात करें कुछ और फैक्ट की, तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में देखने मिलेंगे, जिसमें डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नावेरी, ओरंग, देहंग पटकाई और रमोना, ये राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में देखने के लिए मिलेंगे। डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह माजुली द्वीप है, जो असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है।
पूर्वोत्तर का पूरा हिस्सा 3.5% है पूरे भारत का। जो पूर्वोत्तर है जितनी भी उसमें स्टेट आती है वह पूरे भारत का 3.5% है। असम का पुराना नाम कामरूप है जैसे मैंने आपको बताया ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज है। पहली और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश महिला जो हुई वह सईदा एनवरा तैमूर हुई है। एनजीटी से ग्रीन सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी बना है। तेल संग्रहालय गुवाहाटी में बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, और ये पहला तेल संग्रहालय है जो गुवाहाटी में बनाया गया है। गर्म पानी अभयारण्य असम में ही स्थित है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्रापोंग असम में ही स्थित है। मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में सिर्फ असम में किया जाता है और इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। धोती गमछा देशज वस्त्र है असम के, तो ये भी आपको याद रखनी। धुबरी इस जगह से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये इंपॉर्टेंट है। धुबरी वो जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। रंगोली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जॉनविल मेला आपको असम में मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मेला नहीं मेला है, जॉनविल मेला असम में लगता है। पारंपरिक वस्तुओं में जोरई और गोटा, ये दोनों पारंपरिक वस्तुएं आपको असम में मिलेंगी। गुरु के द्वारा असम मनाया जाता है। दोस्तों असम का प्राचीन नाम ज्योतिषपुर भी है, कामरूप और ज्योतिषपुर ये दोनों नाम असम के ही हैं। चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोरहट में स्थित है, ये इंपोर्टेंट है। चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोरहट में है। राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। विश्व के सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा गुवाहाटी में स्थित है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये भी असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये सबसे छोटा द्वीप उमानंदा ये भी गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है असम में। असम देश का वह राज्य है जहाँ खनिज तेल प्राप्त हुआ था प्रथम बार, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो ये बोर्ड मैप में आप लोकेशन देख पा रहे होंगे उड़ीसा की है। दोस्तों आप सबसे पहले एटलस को खोलें, वहां पर उड़ीसा के बारे में देखें, जितने भी जिले हैं उनके बारे में एक बार पढ़ें, जहां भी उनकी लोकेशन उसके बारे में पढ़ें, फिर आप इस वीडियो को आगे देखें। मैं आपको यहां पर लोकेशन बता देता हूं किस किस राज्य से इसकी सीमा साझा करती है। तो दोस्तों इस तरफ से तो आंध्र प्रदेश से, यहां से, यहां पर मध्य प्रदेश नहीं है दोस्तों, यहां से छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करती है, झारखंड से भी उड़ीसा सीमा साझा करता है, बिहार से थोड़ी सीमा लगती है, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल से इसकी सीमा लगती है। तो उड़ीसा की सीमा इन चार पांच राज्यों से लगती है, और इस तरफ से तो बंगाल की खाड़ी से सीमा लगती है, तो ये भी आपको याद रखना है उड़ीसा के बारे में। अब बात करते हैं राजधानी की। तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। लिंगानुपात में 979 महिला प्रति 1000 पुरुष ये लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व है। उच्च न्यायालय कटक में स्थित है, ये भी आपको याद रखना। सीमाओं की बात की जाए तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सीमा लगती है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की सीमा लगती है, उत्तर में झारखंड और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है, वहीं एक साइड से पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है। आपको उड़ीसा में कुल 30 जिले देखने के लिए मिलेंगे। राज्यसभा सदस्य 10 हैं और लोकसभा सदस्य की संख्या 21 है उड़ीसा में। राज्य के पशु सांभर है, राज्य के पक्षी हुदहुद है उड़ीसा। बात की जाए राजकीय वृक्ष की, तो अश्वत्थ राजकीय वृक्ष है, राजकीय फूल अशोक है। बात करें राजकीय भाषा की तो उड़िया यहाँ की राजकीय भाषा है, और 1 अप्रैल को राज्य दिवस मनाया जाता है उड़ीसा का। बात करें गठन की, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री जो प्रथम हुए वह एच के मेहताब हुए थे। पर्यटन केंद्रों में जगन्नाथ मंदिर ये तो वर्ल्ड फेमस मंदिर है, आपको पता ही होगा असम में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी आपको पता ही होगा असम में, माफ कीजिए उड़ीसा में, ये दोनों उड़ीसा में ही है। बात करें त्योहार की, तो नुआखाई, कोणार्क, धनु यात्रा, राजा पर्व और बलि जतारा ये प्रमुख त्योहार आपको उड़ीसा में मिलेंगे। लोक नृत्य में उड़ीसी, छाऊ, घूमर, मुनारी और पैरांस ये लोक नृत्य उड़ीसा में मिलेंगे। जनजातियों में बगाटा, बैगा, कोया, बंजारा, कोरुआ, बोडो, चैचू, होलवा, परोजा ये प्रमुख जनजातियां उड़ीसा की हैं, जिनमें से बगाटा, बैगा, चैचू, बोडो, होलवा, परेजा ये तो प्रमुख ही हैं। बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका का राष्ट्रीय उद्यान, सात कोसिया राष्ट्रीय उद्यान और नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान ये आपको उड़ीसा में देखने मिलेंगे। यूनेस्को साइट की बात की जाए
तो एकमात्र यूनेस्को साइट जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसे 1984 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था जो उड़ीसा में स्थित है। कुछ वन लाइनर फैक्ट के बारे में भी बात करें तो चावल अनुसंधान या चावल शोध संस्थान कटक में मिलेगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है और ये उड़ीसा में स्थित है। नरसिंहदेव ने विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। उड़ीसा का नंदन कानन वन्य प्राणी अभयारण्य भुवनेश्वर में है और ये सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त ययाति द्वितीय ने करवाया था। उड़ीसा का प्राचीन मंदिर का नाम या उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग भी है, ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपपात्र परीक्षण केंद्र है। मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ के लोहे की खदानें उड़ीसा में ही स्थित हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोहा देखने को मिलेगा, तो इन खदानों के नाम भी याद रखने हैं। ये पूछे जा सकते हैं कि कौन सी खदानें हैं निम्न में से जहाँ से लोहा निकाला जाता है, तो उड़ीसा की मयूरभंज और क्योंझर सुंदरगढ़ इन तीनों जगह से लोहा निकाला जाता है। बात करें नेक्स्ट कुछ और वन लाइनर फैक्ट की, तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है जो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है और यह एक लैगून झील भी है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। भारी जल उद्योग अनुसंधान केंद्र तालचेर में है, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। भारी जल उद्योग केंद्र अनुसंधान केंद्र तालचेर में है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। हीराकुंड जलाशय महानदी पर है जैसे मैंने आपको बताया और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। राउरकेला स्टील और इस्पात उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। कोरापुट में एल्यूमिनियम उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, राउरकेला स्टील हेतु और कोरापुट एल्यूमिनियम उद्योग हेतु। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जो उड़ीसा में स्थित है। भारत का मंदिर का शहर भुवनेश्वर को कहा जाता है। दोस्तों स्पेंटर दुती चंद्र जाजपुर जिले से संबंधित है, ये उड़ीसा से ही है, तो आपको पता होगा। नहीं पता हो तो ये स्प्रिंटर है, मैंने आपको बताई दिया। पहला फायर पार्क उड़ीसा में खोला गया है। पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूर्ण होने पर स्मारक की आधारशिला उड़ीसा में रखी गई। खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य उड़ीसा है। उच्च कोटि के हेमेटाइट श्रेणी का अयस्क मयूरभंज और तथा क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। क्योंझर से निकेल भी निकाला जाता है। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा से होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा से और फिर गुजरात से होता है, तो पहले स्थान पर बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा होगा, दूसरा गुजरात हो जाएगा। कुछ और फैक्ट की बात करें तो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। भारी जल उद्योग के अंदर पिछले साइड में बताया। गाथा गीत नाम की एक शैली 10 कोटियां प्रचलित है जो उड़ीसा में है। बाघ नाच चैत्र माह में उड़ीसा में किया जाता है। पश्चिमी उड़ीसा में खाद्यान्न की पूजा का पर्व नुआखाई ये भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नुआखाई पर्व या त्योहार आपको उड़ीसा में देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की उड़ीसा और असम के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।